आप लोगों ने बरसात के वक्त इंद्रधनुष को देखा होगा, लेकिन आपने जब भी इंद्रधनुष को देखा तो इंद्रधनुष आपको आधा गोला दिखा होगा। लेकिन अब बात यह है कि ये इंद्रधनुष आधा है या पूरा है? और क्या आपको पता है जो इंद्रधनुष को यदि हम देखते हैं तो इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं? आज आपको इंद्रधनुष से जुड़े मैं आपको 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, जो इंद्रधनुष होता है उसका एक्चुअली में जो शेप होता है वो पूरा एकदम सर्किल होता है, यानी कि उसका जो पूरा शेप है वो बिल्कुल गोल होता है। लेकिन जब हम उसे जमीन पर खड़े होकर देखते हैं तो इंद्रधनुष हमें आधा गोला दिखाई देता है। लेकिन यदि हम उसी इंद्रधनुष को अगर हवाई जहाज से देखें तो इंद्रधनुष हमें एक गोल दिखेगा, पूरा गोला दिखेगा। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका का जो हवाई राज्य है तो वहाँ पर सबसे ज्यादा इंद्रधनुष दिखाई देने के कारण उस राज्य को रेनबो स्टेट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, रियल में इंद्रधनुष के 7 रंग माने जाते हैं, यानी कि होते हैं, लेकिन चीन में अभी भी इंद्रधनुष के 5 ही रंग माने जाते हैं, यानी बैंगनी और नारंगी रंग को वहाँ काउंट ही नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 2, एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि जब एक साथ 2 इंद्रधनुष बनते हैं तो दोनों इंद्रधनुषों के रंगों का क्रम अपोजिट हो जाता है, यानी एक इंद्रधनुष में हम जिस जगह लाल देखेंगे तो दूसरे इंद्रधनुष में हमें उसकी जगह बैंगनी रंग दिखाई देगा, यह क्रम अपोजिट हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, जिस समय सूर्य ऊंचाई पर होता है तो हमें इंद्रधनुष नीचे दिखाई देता है, और जब सूर्य नीचे होता है तो इंद्रधनुष ऊंचाई पर दिखाई देता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।